एक ऐसी माँ जो चाहती है कि मर जाए उसका इकलौता बेटा। हिंदी में एक कहावत है कि पूत कपूत सुने है मगर नहीं माता सुन्नी कुमाता। ऐसा माना जाता है कि माँ इस संसार की सबसे खूबसूरत आत्मा और भगवान का स्वरूप होती है। माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकती है। अपने बच्चे को तकलीफ में देखकर माँ को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक ऐसी माँ भी है जो अपने इकलौते बेटे की मौत की कामना करती है और चाहती है कि उसका बेटा मर जाए, एक बार सुनने पर आपको विश्वास नहीं होगा मगर ये सच है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों ये औरत चाहती है अपने बेटे की मौत, नहीं चाहती थी एक और बच्चा। एक खबर के मुताबिक पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया की इस औरत के पहले से ही दो बेटियां हैं, इसलिए वो एक और बच्चा नहीं चाहती थी। गर्भधारण से पहले उसको पता नहीं चल पाया कि वो प्रेग्नेंट है। 4 महीने बीत जाने के बाद जब उसको पता चला तो उसने ऑपरेशन करवाने का सोचा, पर डॉक्टरों ने ये कहकर मना कर दिया कि इससे औरत की जान भी जा सकती है। मजबूरी में बच्चे को दिया जन्म। डॉक्टरों के मना करने के बाद उस महिला ने बच्चे को जन्म तो दिया, पर वो बच्चा उसकी नजरों में खटकता रहता है। वो अक्सर उसके मर जाने के लिए प्रार्थना करती है और चौंकाने वाली बात तो ये है कि उसका हस्बैंड भी यही चाहता है। मानसिक रूप से बीमार है ये महिला। डॉक्टरों की माने तो ये डिप्रेशन से पीड़ित महिला है और ये बीमारी 10 में से किसी एक महिला होती है। काफी समय के बाद माँ बनने और बच्चे की चाहत न होने के कारण ऐसा होता है। कई महिलाएं तो इस बीमारी के कारण अपने बच्चे का गला तक घोटने से भी नहीं चूकती है।